हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। तो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट आपके रिलेटेड बता रहा हूँ जो आपको अभी के टाइम पे क्वेरीज हैं। और गाइस, क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ दोनों ही बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, ठीक है। 13 तारीख को ट्वेल्थ बोर्ड का आया था, टेंथ और 10वीं का आ जाया 15 तारीख को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, कुछ बच्चों के ऐसे मार्क्स मिले हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, उनको कम मार्क्स की मतलब कि कहें उनके अकॉर्डिंग नहीं आने चाहिए थे, ठीक है। अब हो सकता है इसमें गलतियां हो, और हो सकता है ऐसा भी कि जो मार्क्स हैं वो उससे सेटिस्फाई ना हो, हो सकता है कि रीटोटलिंग गलत की गई हो, ठीक है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है इसके रिगार्डिंग। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, और कैसे प्रोसीड करना है आगे, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं इसमें एक एक स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या होती है आपकी रीएवेल्यूशन, क्या होती है रीचेकिंग, और क्या होती है रीटोटलिंग। तो इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक एक स्टेप में क्या प्रोसेस होता है, क्या चार्जेस होते हैं, वो सारी बातें आप सभी के साथ में क्लियर करूँगा मैं। तो इसका जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। उसकी भी डेट आपकी 17 तारीख है, ठीक है, और टेंथ क्लास के लिए वो डेट अनाउंस हो जाएगी। वैसे अभी मान के चलने की 17 से 18 तारीख आपकी जुलाई में ये फिक्स कही जा रही है, बट ट्वेल्थ के लिए 17 तारीख से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपका रिज़ल्ट तो अनाउंस हो गया, अब मार्क्स आपके अकॉर्डिंग नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम पेपर करके आते हैं तो हमारे माइंड भी एक सेट होता है कि हमने इतना टारगेट किया है, हम इतने करके आए हैं तो इतने तो स्कोर हम करने वाले हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है, क्योंकि टीचर जो चेक कर रहे हैं वो भी ह्यूमन है, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ही ये सीबीएसई ने रीचेकिंग और रीएवेल्यूशन का सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो इसमें कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। अब इसमें वो टेंथ और ट्वेल्थ के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इस साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को दिया है, ठीक है, 2020 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब इसका जो प्रोसीजर है पूरा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। पहला बात यहाँ पे मेन आती है कि प्रोसेस कैसा रहने वाला है। प्रोसेस जो होता है, आप चाहे फॉर्म की बात करें, जितना भी प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करेंगे, फ़ीस चार्ज जो भी पे करेंगे वो भी ऑनलाइन पे करना है, ठीक है। अब बात आती है कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है, रीचेकिंग और रीएवेल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बच्चों की माइंड में क्वेश्चन होगा कि एक्चुअल में ये है क्या। तो बेसिकली रीचेकिंग एंड रीएवेल्यूशन, इसके वेरियस स्टेप्स होते हैं, जो मेन 3 स्टेप्स हैं उन पर हम बात करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है रीटोटलिंग, कि दोबारा से गिनती होगी आपके मार्क्स की, ठीक है। और दूसरा है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है, रिक्वेस्टिंग फॉर फोटोकॉपी, जिसमें आप फोटोकॉपी अपनी आंसर शीट की मंगवाते हैं, वो आपकी ईमेल आईडी पे जनरली सेंड की जाती है, ठीक है, उसकी इमेजेस। तीसरा स्टेप है जो कि अलग, और इसे स्पेशली कह देते हैं क्योंकि इसमें यार बहुत सारी चीज़ें अलग से निकल कर आती हैं, ठीक है, रीएवेल्यूशन ऑफ आंसर शीट। यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट लगता है कि भैया यहाँ तो क्वेश्चन हमारा गलत कर दिया है और यहाँ पे नंबर मिलने चाहिए थे, इनकरेक्ट मार्किंग हुई है, तो उसके बाद में आप रीएवेल्यूशन ऑफ के लिए अपनी आंसर शीट देते हैं, ठीक है। और इसका भी फंडा है वो मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से, क्या पूरे क्वेश्चन पेपर को रीचेक कराया जाता है या फिर आंसर वाइज होता है, ठीक है। अब ये तीनों स्टेप जो हैं सिक्वेंस वाइज चलते हैं, अगर आप पहला स्टेप नहीं फिल करते हैं तो आप दूसरा स्टेप नहीं जा सकते, तीसरे पे भी नहीं जा सकते, समझ लो। तो आपको पहले स्टेप ये कंप्लीट करना होगा, मींस कि पहले आपको अप्लाई करना होगा रीटोटलिंग के लिए, ठीक है, दूसरा आपका फिर रिक्वेस्टिंग फॉर फोटोकॉपी, ये भी अप्लाई करना होगा, फिर आप उसके बाद में अपनी चेक कर लोगे फोटोकॉपी कि इनकरेक्ट है, देन उसके बाद में आप अप्लाई करोगे आंसर शीट के लिए, ठीक है। और इन सभी के जो चार्जेस हैं वो सेपरेटली होते हैं, ठीक है, हर एक का अलग चार्ज होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं आगे। तो अब यहाँ पे समस्या क्यों इतनी ज़्यादा इस बार हो रही है, तो पहला रीज़न है कोविड-19, जिसके कारण जो आपके एग्ज़ामिनेशन थे वो भी कैंसिल हुए, ठीक है, कुछ के एग्ज़ामिनेशन वो कैंसिल हो गए। अब उनके मार्क्स
आपके एवरेज अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके 5 पेपर हैं टोटल, आपने 3 के एग्जामिनेशन दे दिए, तो 2 जो बचे हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स मिलेंगे, जो आप 3 के आपके जो एवरेज मार्क्स निकलेगा उसके अकॉर्डिंग उन 2 के मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये बात थी आपकी इस बार की। अब लेकिन यहाँ पे मिस्टेक्स ये हुई है क्योंकि COVID-19 के कारण जो आपका रिजल्ट है वो जल्दबाजी में अनाउंस हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि कितने सारे चेंजेस किए गए इस बार CBSE की मार्कशीट में, आपको अलग अलग बदलाव देखने को मिले, सिंबल्स आपको एब्रिवेशन कई अलग तरह की मिली, तो इस बार मिस्टेक हुई है CBSE की ओर से भी। मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा थे और हुई भी है, हम सभी ने देखा, चाहे वो प्रैक्टिकल के मार्क्स को लेकर है, वो बच्चे अभी भी परेशान है प्रैक्टिकल के मार्क्स को लेकर। मैं उसके रिगार्डिंग भी कोशिश कर रहा हूँ कि CBSE जैसे ही कॉन्टेक्ट हो पाता है पूरी तरह, फिर उनको एक कंफर्मेशन दी जाए, क्योंकि सभी बच्चे परेशान हैं। और मैं मान सकता हूँ यार, समझ सकता हूँ आपका दर्द, क्योंकि जब मार्क्स होते हैं यार सही में प्रॉब्लम हमें देते हैं। अभी के लिए मान के चलें तो सही में प्रॉब्लम फेस होती है, दुख होता है अगर मार्क्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं आते तो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके स्टेप्स की, ठीक है, कि इसमें किस प्रकार से आपके वेरियस स्टेप्स काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका अप्लाई फॉर रीटोटलिंग, ठीक है। मेजर स्टेप्स हैं रीटोटलिंग में, एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। पहला है आपका जो मार्क्स हैं वो दोबारा से टोटल किए जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि काउंटिंग में गलती हो गई तो इसलिए वो दोबारा से चेक होते हैं रीटोटलिंग में, ये पहला काम है। दूसरा है कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रहेगा जो टिक ही ना हुआ, ठीक है, तो वो भी आपका चेक कर लिए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कोई एरर चेक नहीं होगा कि कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, करेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक नहीं होती। यहाँ पे आप बस आपके जो नंबर हैं वो काउंट होंगे, दोबारा से चेक होंगे सिर्फ नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नहीं चेक होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी रीटोटलिंग की, यहाँ से नेम से ही आप समझ जाओगे रीटोटलिंग, ठीक है, ये स्टेप वन है। देन उसके बाद में आता है स्टेप टू, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसके बाद में ही आप डिसाइड करते हैं कि हमें थर्ड स्टेप पे जाना है या नहीं, ठीक है। वो है अप्लाई फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। इसमें आप अप्लाई करते हो CBSE के थ्रू कि सर हमें फोटोकॉपी चाहिए, तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है, उसकी फ़ीस भी अलग है, ठीक है। देन उसके बाद में होता क्या है, पहले तो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपकी जो टोटलिंग है, आपको लगा कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे टोटल गलत है, गलत आ रहा है, और यहाँ ज़्यादा नंबर बनने चाहिए, तब आप अप्लाई करते हो फोटोकॉपी के लिए, ठीक है, और भी करेक्ट एरर्स के लिए, ठीक है। तब आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करते हो, कहते हो कि सर हमारे क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए और कहीं ना कहीं CBSE की तरफ से फॉल्ट हुआ है। देन सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप में जो मैंने कहा कि सिक्वेंस वाइज है, तो वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टेप में अप्लाई किया, यानी कि रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया था। अब इसमें होता क्या है, आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है, ठीक है, CBSE के थ्रू ईमेल की जाती है आपको, ठीक है। इसके लिए आपके अलग से चार्जेस होते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर वाइज ही मंगा सकते हैं आप, चाहो आप सोचो कि सबके मंगा लें, नहीं होगा, आपने जितने क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर के लिए अप्लाई किया था उतने ही पेपर्स की आप मंगा सकते हैं जो पहले आपने अप्लाई किया। देन उसके बाद में आपके यहाँ चॉइस मिल जाती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 पेपर के लिए अप्लाई किया था आपने रीटोटलिंग, तो आप चाहते हैं कि 3 के लिए आ जाए तो वो नहीं होगा, अगर आप कहते हैं कि भैया 2 के लिए आ जाए तो वो हो जाएगा, और आप चाहते हैं कि 1 सब्जेक्ट की फोटोकॉपी मिल जाए तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितने यहाँ फर्स्ट स्टेप में किए थे उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उतने हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इस स्टेप में आपका सिर्फ टैली किए जाते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपकी आंसर शीट आपके पास में आ गई, आप टैली करिए मार्किंग स्किप्स, जो कि CBSE ऑलरेडी अपलोड कर देता है आपकी CBSE के पोर्टल पर, तो आप वहाँ से चेक कर पाएंगे, ठीक है। देन थर्ड स्टेप जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके बाद में आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं आपकी जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कहीं ना कहीं काटे गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं एरर रहा है और टीचर ने सही प्रकार से चेक नहीं हुआ, तो अब आप अप्लाई करते हो रीएवोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें मेजरली जो बातें आती हैं रीएवोल्यूशन में उनको देख लेते हैं। पहला तो है मेजर टॉपिक इनकरेक्ट मार्किंग, कि भैया मार्किंग सही नहीं की गई CBSE के अकॉर्डिंग, क्योंकि CBSE आपको स्टेप वाइज मार्किंग के नंबर देती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर सेकंड स्टेप पे अप्लाई किया है फर्स्ट और सेकंड, तभी आप थर्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो नहीं कर सकते थर्ड में भी, ठीक है, ओके, ये बात यहाँ पे क्लियर।
फिर अप्लाई स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि आप लोग पूरे क्वेश्चन पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। आप सोचो कि भैया हम जैसे मान लीजिए अगर मैथ्स वालों की बात क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो आप सोचो कि मैथमेटिक्स में आप अप्लाई करते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के लिए तो आपका जो चार्जेस हैं वो आपको एक एक क्वेश्चन वाइज देने पड़ेंगे, ठीक है। और पर क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको तकरीबन चार्ज 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पड़ता है। तो आप मान के चलिए इसमें 37-36 क्वेश्चन हैं तो आपके कितने चार्जेस हो जाएंगे। तो आप लोग जब आपके पास में मार्किंग स्कीम आ जाती है, आंसर सीट आ जाती है आपकी, तो चेक करिए कौन से क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, इनकरेक्ट चेकिंग हुई है, तब आप उस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली रीएवोल्यूशन कराइए, क्योंकि आपको पर क्वेश्चन वाइज चार्ज देना है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और CBSE में चार्जेस यार बहुत ज़्यादा हैं रीचेकिंग वगैरह में, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस ऑनलाइन है तो इनमें चार्जेस होना कह सकते हैं कंपलसरी या लाजमी हो जाता है, पर चार्जेस काफ़ी हाई हो जाते हैं यहाँ पे। तो हम बात कर चुके हैं आपके, पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब डेट के बारे में बता देता हूँ, जो आपकी डेट्स हैं वो 17 तारीख अनाउंस की गई है क्लास 12 के लिए, ठीक है, रिएवोल्यूशन के लिए, और 17 या 18 जो अभी कन्फर्म नहीं है क्लास 10 की वो भी कन्फर्म हो जाएगी, मैं पोर्टल पर डाल दूँगा अपने, ठीक है, आप वहाँ से कम्युनिटी पोस्ट से चेक कर पाएंगे डेट्स, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम में एक छोटा सा डाउट उन बच्चों के लिए लेना चाहूँगा जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, ठीक है, अगर आपका जो डाउट क्लियर हो गया तो आप लोग बेसिक एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा प्राइवेट कैंडिडेट, उनके लिए मैं छोटी सी बात ये कहूँगा कि देखिए जो आपको थ्योरी में मार्क्स मिले हैं ना बच्चे, थ्योरी में, अब CBSE के अकॉर्डिंग क्या है कि वो कह रहे हैं कि आपके जो मार्क्स हैं प्रैक्टिकल, जो इंग्लिश और मैथ्स की बात करूँ मैं, ठीक है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के कंसीडर किए गए हैं, एक पहली बात ये निकल के आई है। दूसरी, जब मैंने दोबारा कन्फर्म किया तो वहाँ पे बात आई कि आपने जो प्रैक्टिकल दिया ही नहीं तो आपके सिर्फ 80 में से मार्क्स कंसीडर हो रहे हैं, समझ रहे हो कि आपको 80 में से दिए जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे शो किया जा रहा है 100, तो ये समस्या भी है। अब यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको क्लियरली देखो कब मिल पाएगी, अभी CBSE की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। कन्फर्मेशन आपकी या तो CBSE कन्फर्म करता है, नहीं तो जब आप रिज़ल्ट आएगा आपके पास तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा ये सारी बातें। हो सकता है अगर आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो नहीं दिए गए हैं 20 मार्क्स, तो भाई यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो क्लियरली मेंशन होंगे और वो वहाँ पर ऐड हो जाएंगे न्यू मार्क्स शीट में, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको जनरली नहीं मिले मार्क्स। अगर आपके में जो CBSE ने फर्स्ट बात कही है वो क्लियर है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर तो मार्क्स, क्योंकि अब मान सकते हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमारे अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं है और होने भी चाहिए, क्योंकि कुछ लॉजिक ऐसी बातें मेरे सामने आई जो बिल्कुल लॉजिक ही नहीं लग रहा था उन बातों में कि ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इस बार मार्क्स भी थोड़े कम रहे हैं बच्चों के, तो बच्चे भी लाजमी है कि परेशान हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो अभी दो बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, CBSE की ओर से जो कन्फर्मेशन मुझे मिली है। अब जैसे ही अपडेट आता है रेगुलरली कोई न्यू अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चों तक ये कन्फर्मेशन इन्फो पहुँच पाए। कोई क्वायरी से यार तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नहीं तो आप अबाउट में जाकर चेक कर पाएंगे, ठीक है। आप इंस्टा पर हैं तो हमें DM कर सकते हैं डायरेक्टली आप, ठीक है, वहाँ पर DM कर दीजिए। अगर आप ट्विटर पे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं बच्चों को, और अगर कोई क्वेरीज होती क्वेश्चन होते हैं जो हमें अथॉरिटी से पूछने हैं तो उनको भी ट्वीट करते हैं ताकि, और अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलता है रिट्वीट्स होते हैं तो अथॉरिटी तक बात पहुँचती भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें, और जो मेरी ऑफिशियल हैंडल है जैन सिंह सर, ठीक है, ये आपका ट्विटर और इंस्टा दोनों पर सेम है, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड बुक्स की या फिर नोट्स की, या अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं आपको अपडेट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं,
कोई भी चार्ज पे नहीं करना, फ्री है, उसमें रेगुलर अपडेट मिलती रहती है आपको, जितनी भी हैं CBSE से रिलेटेड चाहे इग्नू से रिलेटेड आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि है हमारे चैनल, तो गाइस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग ऐसी ही वीडियोस आप लेके आते रहेंगे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपके रिगार्डिंग मिलती रहेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिले। तो ये थी अपडेट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों, स्वस्थ रहें, इन्जॉय करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, मिस्टेक हुई है, तो जल्दी ही अपडेट मिलेगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन ना लें इसके रिगार्डिंग, ठीक है।